चंबल के असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक सिपाही और बदमाश घायल, दोनों घायलों को इलाज के लिए CHC असमोली में भर्ती कराया गया। लॉकडाउन के समय में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का दौर जारी है। ऐसे ही एक मामला जनपद संबल के असमोली थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पर ग्राम मैडन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक सिपाही और बदमाश घायल हो गए। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल ने बताया कि असमोली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ अपराधी कार में सवार होकर इधर से गुजर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की, तभी एक कार उधर से आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इन्होंने रुकने की जगह पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक शातिर अपराधी जिशान भी घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सालय असमोली में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश से पुलिस ने एक कार, तमंचा, एक खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग लगातार जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। सर, अभी असमोली इलाके में सर क्या मामला था? असमोली थाना क्षेत्र में मढ़नपुर मंसूरपुर माफी रोड पे जो है आज पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जो है जिसान पुलिस पे फायर करके जो है भागने का प्रयास किया, जिसको फायरिंग पुलिस द्वारा की गई, फायर में घायल हुआ और गिरफ्तार किया गया, उसको अस्पताल में लाया गया। पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है, दोनों लोगों का इलाज चल रहा है। जिसान पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और जानकारी की जा रही है कि अन्य जनपदों में क्या स्थिति है।